हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले इस वीडियो में क्या आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आप लोगों का जो हाई कोर्ट डिसीजन देने वाला है ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर, उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि आज मतलब कि 6/7/2020 छह जुलाई को आप लोगों का डिसीजन ले लिया जाएगा कि आपकी ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं। जी दोस्तों, ओबीसी वालों को आरक्षण का जो मुद्दा था, आज इसका डिसीजन आना था। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई दें और जाने कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा, घंटी के निशान उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और दोस्तों प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक अभी कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक नजर हम कमेंट्स बॉक्स पर डाल लेते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं और सर बोलते हैं कि आप रिप्लाई नहीं देते। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं, रोहित जाट जी बोलते हैं हटना चाहिए आरक्षण। तो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि रिजर्वेशन आप लोगों का हटना चाहिए कि नहीं। ओके, तो आप लोग कमेंट करें, आप अपना मत जाहिर करें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे क्या सर जी, अगर ओबीसी का रिजर्वेशन होता है तो क्या शिक्षक भर्ती में भी इसका लाभ मिलेगा कि नहीं, कृपया बताने की कृपा करें। तो दोस्तों मैं इसके अभी रिप्लाई देने वाला हूं कि आप लोगों को यहां पर इसका लाभ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं। मैंने इस वैकेंसी का फॉर्म डाला था, इसमें मेरे को आप रिप्लाई दीजिए सर, मेरे को लाभ मिलेगा कि नहीं। एंड इसके साथ साथ यहां पर फिर से बोला है विवेक कुमार के द्वारा कि सर हटा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं इतने ही बताने वाला हूं कमेंट, क्योंकि टाइम हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार सर कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, आज है 6/7/2020, मतलब कि 6 जुलाई 2020 है, आज कोर्ट डिसीजन ले रहा था। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिरकार कोर्ट कर क्या रहा है, डेट पर डेट आखिरकार क्या करने की फिराक में है। जी दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, हमको नेक्स्ट डेट दी गई थी 6/7/2020, लास्ट ऑर्डर आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन हुआ क्या, आप यहाँ पे देखेंगे आपको फिर से टेंटेटिव डेट दे दी गई है, मतलब 13/7/2020। अब आपका जो डिसीजन है वो 13/7/2020 को लिया जाएगा। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे ये फिक्स है कि नहीं, तो दोस्तों यह भी कोई फिक्स नहीं है, चूंकि यहाँ पर परिवर्तनशील है टेंटेटिव मतलब। ओके, तो यहाँ पर अभी कुछ फिक्स नहीं है, 13 को भी आप लोगों का यहाँ पर सुनवाई होना है, फैसला आना है कि नहीं। अब दोस्तों इसी बीच बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी जे वैकेंसी इसमें लाभ मिलेगा कि नहीं। चलिए उनके मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं, चूंकि आप लोगों ने बोला था तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था, जहां पर आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, अपने मार्क्स करीबन 1000 के अब वहां पर बोर्ड्स पढ़ चुके हैं। तो मैं दोस्तों उसका रिजल्ट कल आप लोगों को दे दूंगा कि आखिरकार आप लोगों के कमेंट्स में कैसे कैसे आए, कट ऑफ के ऊपर आपका कितना जा सकता है, उसका एनालिसिस करके हम बताएंगे। ओके, और वैसे भी मैंने पहले से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा है, यदि आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के कॉर्नर में जाइए, आपको दिख जाएगा एक आई बटन का साइन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के लास्ट तक जाते हैं तो आपको एंड स्क्रीन में वीडियोज मिल जाएंगे, आप देख लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं आपके डाउट्स सॉल्व। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में, और सबसे पहले मैंने लिया है आपका फर्स्ट डाउट, जो कि कैंडिडेट द्वारा पूछा गया था अलग अलग वीडियोस में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों का डाउट यही था कि सर शिक्षक भर्ती में भी इसका लाभ मिलेगा रिजर्वेशन का, जो कि अभी सुनवाई होने वाली है आपके हाईकोर्ट जबलपुर में। तो दोस्तों आपको बता दूं, ना कि आपकी जो शिक्षक की भर्ती, इन फ्यूचर आपकी जो जो वैकेंसी जाएंगी, यदि बाई चांस यहाँ पर रिजर्वेशन लागू हो रहा है ओबीसी रिजर्वेशन, तो दोस्तों उन सभी भर्तियों में इसका लाभ मिलने वाला है। जी दोस्तों, सभी भर्ती कोई भी हो, ओबीसी कैटेगरी वालों को यहाँ पर लाभ मिलेगा यदि यहाँ पर लागू हो रहा है तब। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एमपीपीएससी वाले, एमपीपीएससी के वैकेंसी में ही ओबीसी वालों को लाभ मिलेगा, आपकी चाहे फिर वो पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे फिर आपका क्या हो, आपका शिक्षक हो, या अदर जो जो एमपी में वैकेंसी रिलीज होंगी आएंगी, उन सभी में इसका लाभ मिलेगा। तो आप इस चीज की टेंशन छोड़ देना कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली एमपीपीएससी वालों को मिलेगा। तो ये हुआ दोस्तों आपका क्या फर्स्ट डाउट।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आपका सेकंड डाउट। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हम आगे हैं अगली स्लाइड में और आपका नेक्स्ट डाउट क्या है आप देख सकते हैं। आप लोगों का अगला डाउट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या सर आरक्षण के बाद कट ऑफ में कितना अंतर आएगा। अब यहाँ पर कोई एक कैंडिडेट ऐसे डाउट नहीं रख रहा है, यहाँ पर ओबीसी वाले, यहाँ पर आपकी यूआर वाले, एससी एसटी वाले अलग अलग कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर कितना यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला है आफ्टर आप लोगों के रिजर्वेशन के बाद यदि यहाँ पर लागू हो रहा है तब। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, यदि बाई चांस यहाँ पर ओबीसी आरक्षण लागू हो रहा है कोर्ट की तरफ से तो आप लोगों के कट ऑफ में फेंस यहाँ पर बहुत से बहुत होगा तो होगा दोस्तों आप लोगों का 3 से 4 नंबर का हेर फेर होने वाला है। अब कहने का मतलब यदि आपका कट ऑफ जा रहा था फैंस कितना 66, आप यहाँ पे देखिए यदि आपका कट ऑफ जा रहा था कितना 66 तो आप लोगों का कट ऑफ जाएगा कितना करीबन करीबन 62 से 63, इतना अंतर आएगा जी दोस्तों। यदि आपका कट ऑफ 66 जा रहा था तो आपका कट ऑफ आ जाएगा 62 के समथिंग, इतना वेरिएशन बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा यदि आपका रिजर्वेशन लागू हो रहा है उस कंडीशन में। ओके, वरना यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, यदि लागू होता है तो फिर इतना फर्क बड़े आराम से पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपके यहाँ पर वो डाउट लिए जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे और मैंने बता दिए। अब डाउट आप लोगों के बहुत ज्यादा है बट मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ हो जाएगी ज्यादा, इसलिए लेते हैं आपसे विदा। यदि आपके मन में कोई डाउट अभी भी बना हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।